أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما Dear students, today we have started a new lesson. आज हम क्लास 6 में मैथमेटिक्स की तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं. आपको याद है गुज़िश्ता दो दिनों में हमने क्या काम किया था? जी हाँ, हमने 1 से लेके 20 तक काउंटिंग सीखी थी. आप इस काउंटिंग को बोर्ड पे देख सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. हमने इसके मुताबिक बताया था कि आप 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक आपके एक 10 मुकम्मल होता है. 10 के लिए हमने एक बार यूज किया था, 10 यूनिट 10 ब्लॉक का को मिलाते थे तो एक बार बन जाता था. तो हमारे जब 10 यूनिट इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक 10 बनता है. इसी तरह दोबारा 10 यूनिट इकट्ठे हुए 11 से लेके 20 तक, तो दूसरा 10 कंप्लीट हुआ, यानी 20 ब्लॉक्स हमारे पास टोटल हो गए. अब इसी काउंटिंग को हम आगे चलाएंगे. मैं इसको एक मरतबा उर्दू में भी गिनती आपको सिखाना चाहूंगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये गिनती आप अपनी रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल करते हैं, सुनते रहते हैं. 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. 20 का मतलब है हमारे पास 2 tens, 2 दहाइयां मौजूद हैं. हम आज का नया काम शुरू करते हैं. यानी अगर हमारे पास 2 tens मौजूद हैं और उसमें मजीद एक एक यूनिट का हम इजाफा करते जाएंगे तो हमारी काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी. यूनिट और टेंथ की इस्तेमाल करेंगे, इकाई और दहाई. टू वन 21, टू टू 22, टू थ्री 23, टू फोर 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, and अगेन 30. आपने देखा 10 ब्लॉक्स का 10 यूनिट जब एक जगह इकट्ठे हुए तो एक बार बन गया 110 को रिप्रेजेंट करने के लिए. जब अगेन 10 यूनिट हमने इकट्ठे किए तो हमारे पास दूसरा बार यानी दूसरा टेंस यानी 2 tens कंप्लीट हुआ. और इसी तरह जब हम तीसरे बार की तरफ आते हैं, अगेन हमारे पास 10 यूनिट्स इकट्ठे हुए तो हमारे पास तीसरा बार मुकम्मल हुआ. इस तरह 10, 20, 30. और अगर उर्दू में हम इसको बोलना चाहें 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस काम को हम और कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, मजीद जारी रखेंगे. हम यूनिट और टेंस के साथ एक और बार की तरफ जाएंगे. आप देखिए कि कितना आसान काम है. आपने एक दफा गिनती सीख ली 9 तक और 10, और 10 का 1 बार बार टेंस की जगह पे लिखा और दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ाया, आपका एक बार और कंप्लीट हो गया. जब 20 के आगे आप कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो 20 के बाद फिर 20 का 2 यानी 2 बार का
टेंस के नीचे टू 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 आप लिखते गए और काउंटिंग लिखते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की, तो आपको आती है ना, याद हो गई, तो उससे मजीद काउंटिंग बढ़ गई। तो जब 3 बार कंप्लीट हो गए तो ये 3 0 30 यानी 3 tens बन गए। अब इस 30 की कैटेगरी में फिर हम अपना काम जारी रखेंगे, अगेन 1 3 2 31 32 34 35 36 37 37 38 38 39 39 and 40। यहां भी 3 tens यानी 3 complete bar, उनके साथ एक एक यूनिट का इजाफा होता जा रहा है और आपकी काउंटिंग बनती चली जा रही है। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 और 40 के बाद फिर वही तरतीब अगेन, यूनिट टेंस 40 का 4 आपने लिखा 41 4 tens 1 यूनिट 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50 50। ये तो हमारा लर्निंग टारगेट हुआ। 40 के आगे 40 40 के आगे 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50 यानी 1 से लेके 50 तक की हमारी गिनती मुकम्मल हुई। इसी काम को अब हम आते हैं अपनी नोटबुक में करने के लिए। इस ताले बाद अब हम आते हैं अपने तहरीरी काम की तरफ। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, शाबाश। इंडेक्स फिर खोला जाएगा और इंडेक्स में हमारा तीसरे दिन का काम यानी थर्ड रिटन वर्क, तो सीरियल नंबर 3 आ गया, आप लिख सकते हैं माशाल्लाह। तारीख आप लिखते हैं 3 जुलाई 2020 और आज की काउंटिंग आपकी है 1 से लेके 50 तक। पेज नंबर यूज आप इसके लिए करेंगे 3। ये आपका इंडेक्स मुकम्मल हो गया। अब हम अपने पेज नंबर 3 की जानिब आते हैं। पेज नंबर 3, डेट आ गई 3 जुलाई 2020। इसी तरह 11 ज़ीक़द 1441 हिजरी और हम ड्रॉ करेंगे मार्जिन। यहाँ हम उसी तरह से लिखेंगे 1 till 50। आज तो माशाल्लाह हमने बहुत सारा काम कर लिया और हम 50 तक गिनती लिखने के 50 तक गिनती लिखने के काबिल हो गए। माशाल्लाह आप हाफिज़े कुरान बच्चे हैं और बहुत तेज़ी से आप टारगेट अचीव कर रहे हैं। यूनिट टेंस में हम अपना काम उसी तरह करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नेक्स्ट लाइन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। थर्ड रॉ 21 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Next line, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. The last line, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50. अल्हम्दुलिल्लाह, आज का आपने ये टारगेट मुकम्मल कर लिया। आप देख सकते हैं 1 से लेके 50 तक रिटन वर्क, तहरीरी काम आप सीख चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस काम को मज़ीद अपनी रफ कॉपीज़ में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी तहरीरी जो आपकी आपकी अपनी नोटबुक है इसी तरह से उसमें इसको लिखेंगे और इसको लिखना भी सीख जाएंगे और ज़बानी याद करना भी सीख जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।